हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 22nd क्वेश्चन कवर करेंगे हम। क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर। ठीक है, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में देखिए 746, कितने 746 वॉट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर। ठीक है, पावर को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? हॉर्स पावर, या इसको कहते हैं अश्व शक्ति। ये किसकी मेजरमेंट है? ये पावर की मेजरमेंट है। तो एक वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, अभी हमारे पास दो लिस्ट है, हमें मैच कराना है। देखिए लिस्ट वन में क्या है, क्वांटिटी है, और लिस्ट टू में यूनिट्स है। तो क्या है, लिस्ट वन हाई स्पीड, वेवलेंथ, प्रेशर और एनर्जी, लिस्ट टू में है मैक, एंगस्ट्रॉम और पास्कल और जूल। तो हमें मैच कराना है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, हाई स्पीड क्या है, किसके लिए? मैक के लिए है। वेवलेंथ आपने अभी देखा था, एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, प्रेशर क्या है? प्रेशर है पास्कल। प्रेशर का क्या है? पास्कल। ठीक है, प्रेशर है पास्कल और एनर्जी है जूल। ठीक है, एनर्जी यूनिट जूल। तो ये हो गया। अब देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स, द मैक नंबर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, तो मैक क्या है, जो किसी बॉडी की, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड हमें मेजर करनी है, तो उसकी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, ठीक है, और जो स्पीड ऑफ द साउंड, उसमें हम क्या करते हैं, हम जो है उसमें उसका रेशियो निकालते हैं, स्पीड ऑफ द बॉडी और स्पीड ऑफ द साउंड का। ठीक है, अब क्या है, सुपर सोनिक ट्रेवल इज अ रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एक्सीड द स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, सुपर सोनिक मतलब होता है कि साउंड से के स्पीड से ज़्यादा जो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, 1 मैक हो जाएगा। सो मैक इज यूज टू रिप्रेजेंट हाई स्पीड। ठीक है, तो अगर सुपर सोनिक की स्पीड है, इसका मतलब है कि साउंड से ज़्यादा स्पीड है, सुपर सोनिक साउंड से ज़्यादा स्पीड है। ठीक है, वेवलेंथ इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में, और प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल। प्रेशर को हम पास्कल में मेजर करते हैं, एनर्जी को जूल में। ठीक है, नेक्स्ट है, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इज द सेम वे पास्कल इज रिलेटेड टू। अगर जूल जो है एनर्जी से रिलेटेड है, तो पास्कल जो है वो कह रहा है किसकी यूनिट है पास्कल, तो पास्कल प्रेशर की यूनिट है। ठीक है ना, एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल है। तो पास्कल की यूनिट क्या होगी? प्रेशर होगी, सिंपल। अब देखिए 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ठीक है, पूछ रहा है कि 1 माइक्रोन कितने के बराबर होगा। तो देखिए 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 mm। ठीक है, 1/1000 mm। ठीक है, 1 माइक्रोन क्या होता है? 10^-6 meter होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10^-6 meter। ठीक है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10^-6 meter। और इसके बाद हमें mm में निकालना है, तो हम 10^3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10^-3। ठीक है, या फिर 1/10^3 ये mm हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, तो ये 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ, 1 माइक्रोन कितना लेंथ रिप्रेजेंट करता है? तो ये करता है 1 माइक्रोन बराबर 10^-4 cm। ठीक है, अब कैसे है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इजी है ये, कुछ है नहीं। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, फिर उसके बाद उसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखिए डेसिबल क्या है? यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, डेसिबल क्या है? यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, होता है ना, क्वेश्चन आता है कि कितने डेसिबल की साउंड ऑडिबल होती है। ठीक है, ह्यूमन हियरिंग के लिए कितने डेसिबल की साउंड जो है होनी चाहिए, जो सुन सके, है ना, कितने डेसिबल की साउंड जो है किसी इंडस्ट्री से निकलती है। तो डेसिबल क्या होता है? यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी, कितना तेज कोई साउंड है, कितना धीरे है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मतलब अश्व शक्ति होता है। हॉर्स पावर किसकी यूनिट है? पावर की है। नॉटिकल माइल किसकी है? नेवल डिस्टेंसेस की है। ये सारे सही हैं, गलत क्या है? सेल्सियस। ये डिग्री ऑफ हीट नहीं है, टेम्परेचर होगा। ठीक है, हीट नहीं होगा, सेल्सियस इज द स्केल ऑफ स्केल एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हीट इज, हीट किसको जो है कैलोरीज में हीट को मेजर करते हैं ना, कैलोरीज में हीट को मेजर करते हैं, लेकिन सेल्सियस में हम किसको मेजर करते हैं? टेम्परेचर को। नॉटिकल माइल किसके लिए यूज़ करते हैं? डिस्टेंस सी के लिए। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1 नॉटिकल माइल बराबर क्या होता है? 1.825 किलोमीटर। ठीक है, 1.825 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 नॉटिकल माइल में 1.852 है। ठीक है, 1.852 किलोमीटर होता है। SI यूनिट क्या होता है? वॉट होती है। किसकी?
एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट. ठीक है, पावर की एसआई यूनिट व्हाट होती है, इसको हम जूल पर सेकेंड में भी जो है कर सकते हैं, है ना. पावर की को वॉट कहें या फिर एक जूल पर सेकेंड कहें, बात वही हुई. ठीक है, पावर अनदर यूनिट ऑफ पावर इज हाउस आपका हॉर्स पावर. ठीक है, अश्वशक्ति भी पावर की यूनिट होती है, और मीट्रिक हॉर्स पावर ये भी होती है. वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स. डेसिबल इज यूज टू मेजर द साउंड इंटेंसिटी. ठीक है, ये सब हमने देख लिया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ हीट. हीट की यूनिट कौन सी नहीं है ये बतानी है. तो देखिए, हीट की यूनिट कैलोरी है, किलो कैलोरी है और किलो जूल है, लेकिन वॉट नहीं है. ठीक है, वॉट क्यों नहीं है, वॉट किसकी यूनिट है, तो देख लीजिए, वॉट इज डेराइव्ड यूनिट ऑफ पावर. ठीक है, वॉट किसकी है, डेराइव्ड यूनिट ऑफ पावर की है. ठीक है, पावर की डेराइव्ड यूनिट है वॉट. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हाँ देखिए, डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर पर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर के बराबर हो सकता है. ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर तो होता नहीं है. ठीक है ना, 1000 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, लेकिन 1 किलोमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर. ठीक है, और हाँ 1000 मीटर. ठीक है, सॉरी, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया हमारा. 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होगा, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 to the power 12 ग्राम. 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, 10 to the power 12 ग्राम. ठीक है, अब इसी में हम देख लेते हैं कि एक डेसी का जो है सिंबल होता है डी, सेंटी का सी, मिली का एम, माइक्रो का म्यू, नैनो का एन, पिको का पी, फेमो का एफ, ऑटो का ए, जेप्टो का जेड और वेक्टो का वाई. ठीक है, तो अब देखिए, जब डेसी कहेगा तो 10 to the power 1 होगा. ठीक है, डेसी कहेगा तो क्या होगा, 10 to the power 1 होगा. ठीक है, पीको, देखिए पीको है इसमें, लेकिन हम शुरू से देखेंगे. सेंटी कहेगा तो क्या होगा, 10 to the power -2, मतलब सेंटी मतलब का सिंबल 2 होगा, और 10 to the power -2 हो जाएगा सेंटी. मिली का हो जाएगा 10 to the power -3, माइक्रो का हो जाएगा 10 to the power -6. याद रखिएगा, कौन सा याद करना है आपको, सेंटी तो पता ही है आपको 10 to the power -2, मिली का होता है 10 to the power -3, माइक्रो का होता है 10 to the power -6, नैनो का होता है 10 to the power 9, n से 9 n से नैनो, तो नैनो याद कर लीजिएगा, नैनो के ऊपर माइक्रो आता है तो 10 to the power 6 हो जाएगा. फिर पीको है नैनो के बाद, पीको, तो तीन चीज़ याद कर लीजिए, नैनो है 10 to the power -9, याद हो गया इसलिए, नैनो को जस्ट ऊपर माइक्रो है 10 to the power -6, और उसके बाद फिर पीको है 10 to the power -12, और वही यहाँ पे दिया हुआ है, पीको बराबर 10 to the power -10 ग्राम. माइक्रो, माइक्रो हमने देखा कि 10 to the power -6. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है फेमो. ठीक है, तो 3 दिन का गैप है, अभी हमने पीको को 10 to the power -12 देखा था, फेमो है 10 to the power -15. ठीक है, क्या है, 10 to the power -15. ठीक है, और इसके बाद जो है, एक मिलीग्राम बराबर कितना होता है, तो 10 to the power -3 ग्राम. 1 मिलीग्राम बराबर 10 to the power -3 ग्राम, अभी हमने देखा. एक नैनो 10 to the power -9. ठीक है, नेक्स्ट हमारा पास्कल इज द यूनिट ऑफ, अभी हमने देखा था पास्कल किसका है, प्रेशर का है. ठीक है, पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की है. तो द पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस. ठीक है, स्ट्रेस का या प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल. इंटरनेशनल सिस्टम जो आपका है, एसआई यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट में पास्कल जो है वो प्रेशर या स्ट्रेस का यूनिट है. इट इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट है. ठीक है, उनका नाम है पास्कल, उसी के नाम पे ये रखा गया है. 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ओवर एरिया ऑफ 1 स्क्वायर किलोमीटर. तो देखिए, अगर मान लीजिए 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि पास्कल. ठीक है, हमको ये है कि 1 पास्कल का प्रेशर आपने लगाया. ठीक है, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, आपको पता है बहुत इजी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट होती है वो बार होती है. क्या होती है, बार होती है. ठीक है, तो बार इज अ मीट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर. बार क्या होता है, मीट्रिक यूनिट ऑफ, लेकिन एसआई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखिएगा. बार जो है वो प्रेशर की यूनिट होती है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं, बल्कि मीट्रिक यूनिट होती है. ठीक है, 1 बार बराबर क्या होता है, 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 1 बार होता है. ठीक है, पास्कल जो है, अगर एसआई यूनिट पूछेगा किसकी, प्रेशर की, तो वो पास्कल होगी, लेकिन मेट्रिक यूनिट में हम प्रेशर की यूनिट को बार भी बोलते हैं. तो 1 बार बराबर 10 to the power 5 पास्कल हम कह सकते हैं. ठीक है, 1 किलोग्राम
पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो प्रेशर है वो कितने के बराबर होगा, ये 1 बार के बराबर होगा, 1 बार के बराबर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लीटर फॉलोइंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है ना, जो ऑयल के जो आपके प्राइसेस हैं उसमें जो है बहुत ही फ्लक्चुएशन था, तो 1 बैरल देख लीजिएगा, इसके हिसाब से 1 बैरल जो ऑयल होता है वो कितने जो है के बराबर होगा, तो देखिए 159 लीटर के बराबर होगा, 1 बैरल ऑयल जो है वो 159 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑयल इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर में हम करते हैं, 1 बैरल ऑयल जो होता है वो होता है 158.9873 लीटर, इतना लंबा नहीं जानने की जरूरत है, आपको जानना क्या है कि 1 बैरल बराबर, अब 158.9 है तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 159 हम मान सकते हैं, 159 लीटर हम मान लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेप स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी यूनिट जो लेंथ की होती है वो होती है फर्मी मीटर, कौन सी होती है, फर्मी मीटर, लेंथ की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, फर्मी मीटर, ठीक है। तो देखिए 1 माइक्रॉन हमने देखा था कि माइक्रॉन बराबर 10^-6 होता है, नैनोमीटर बराबर 10^-9 होता है, एंगस्ट्रॉम बराबर 10^10 होता है, फर्मी मीटर बराबर होता है 10^15, ठीक है, तो 15 जो फर्मी मीटर होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है लेंथ की, 1 नैनोमीटर बराबर 10^9 होगा, ठीक है, अभी हमने देखा था नैनोमीटर बराबर 10^9 होता है, ठीक है। अब देखिए मैच कराना है हमें, ठीक है, पहला लिस्ट है उसमें है क्यूसेक बाइट रिक्टर और बार, लिस्ट 2 में है प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक रेट ऑफ फ्लो और कंप्यूटर, ठीक है, तो बाइट किससे हम रिलेट करते हैं, कंप्यूटर से, क्यूसेक रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, कितना जो है फ्लो हो रहा है उसको क्यूसेक से, ठीक है, रिक्टर में क्या होता है कि जब कभी अर्थक्विक आता है तो हम देखते हैं ना कि कितनी जो है रिक्टर स्केल पे इसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो अर्थक्विक की इंटेंसिटी हम रिक्टर पे निकालते हैं, बार क्या होता है प्रेशर का जो है आपका प्रेशर हम किस में जो है नापते हैं, हम बार में इसको मेजर करते हैं प्रेशर को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्यूसेक इज द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, कोई चीज़ कितनी बहाव कितनी है उसको हम क्यूसेक में नाप लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, बाइट इज द यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 8 बाइट्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 8 बाइट्स, ठीक है। द रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल ऑल्सो रिक्टर स्केल, जो रिक्टर स्केल है उसको हम मैग्नीट्यूड जो है किसकी मैग्नीट्यूड हम जो है अर्थक्विक की मैग्नीट्यूड नापने के लिए हम यूज़ करते हैं। बार इज मैट्रिक, बार इज अ मैट्रिक यूनिट, ठीक है, लेकिन SI यूनिट नहीं है। प्रेशर एग्जैक्टली इज इक्वल्स टू कितना है, 1 लाख पास्कल, तो ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बार क्या है, बार जो है यूनिट होता है लेकिन ये SI यूनिट नहीं है, ठीक है, बार जो है प्रेशर का यूनिट है लेकिन SI यूनिट नहीं है। What is measured in Cusick? Cusick में क्या measure करते हैं? Cusick में flow of water को measure करते हैं, ठीक है? Which one of the following is the unit of measure of the thickness of the ozone layer of atmosphere? तो देखिए एटमॉस्फेयर को की थिकनेस कितनी है, ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी कैसी है, जैसे हम कहते हैं ना ओजोन लेयर जब डिप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, ओजोन होल बन जाता है, या ओजोन लेयर की जो है लाइटनिंग हो जाती है, वो पतला हो जाता है, तो उसके जो कितनी मोटाई है उसकी हम डॉप्सन में नापते हैं, कितने में, डॉप्सन, ठीक है। तो देखिए ओजोन लेयर थिकनेस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट विच इज मेजर्ड व्हाट इज फिजिकल थिकनेस एंड व्हाट वुड बी इफ कंप्रेस्ड इन थिकनेस ऑफ अर्थ। 1 डॉप्सन है, 1 डॉप्सन इज द यूनिट डिफाइंड टू बी 0.01 mm, ठीक है, 1 डॉप्सन इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा, 1 डॉप्सन बराबर होता है 0.01 थिकनेस होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर एंड प्रेशर, द यूनिट नेम आफ्टर GMD डॉप्सन, ठीक है, तो ये जो डॉप्सन है वो GMD डॉप्सन के नाम पे रखा गया था, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था एटमॉस्फेरिक ओजोन को, ठीक है, ओजोन एटमॉस्फेयर में ओजोन है, ये जो है किसने बताया था, GMD डॉप्सन ने। 1 डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू 2.69×10^16 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन पर स्क्वायर किलोमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो
एक डॉब्सन बराबर क्या होता है कि एक स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने यूनिट मॉलिक्यूल हैं किसके, ओजोन के, O3 के, इसको हम डॉब्सन कहते हैं कि एक डॉब्सन है। डॉब्सन यूनिट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, तो किसके लिए, ओजोन लेयर की थिकनेस के लिए, अभी हमने जस्ट देखा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमने ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो है हम कवर करेंगे, जो टॉपिक हमारा है मेजरिंग डिवाइसेज एंड स्केल्स, क्या है, मेजरिंग डिवाइसेज एंड स्केल्स, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।